हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आने वाले सीजन के लिए ट्रांसफर मार्केट में ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने अब तक शानदार काम किया है। तो फिलहाल का खबर यह है कि मोहन बगान सुपर जॉइंट्स के यंग भारतीय लेफ्ट बैक के खिलाड़ी सुमित राठी को ईस्ट बंगाल एफसी अपने टीम में साइन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मोहन बगान सुपर जॉइंट्स के साथ सुमित राठी का कॉन्ट्रैक्ट है और इसी के कारण ट्रांसफर फी देकर ही ईस्ट बंगाल एफसी अपनी टीम में सुमित राठी को साइन करवा सकते हैं। तो खबर है कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट बिल्कुल ट्रांसफर फी देने को तैयार है सुमित राठी को लेकर। और मोहन बगान एफसी की तरफ से जैसा कि खबर है कि स्वैप डील में भी सुमित राठी को किसी और क्लब में वो दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रांसफर फी मोहन बगान सुपर जॉइंट्स चाहते हैं सुमित राठी के बदले, जैसा कि सुमित राठी का कॉन्ट्रैक्ट है मोहन बगान सुपर जॉइंट्स के साथ। और नेक्स्ट अपडेट है बोरा हरेरा को लेकर। तो दोस्तों, एफसी गोवा ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया था स्पेनिश अटैकिंग मिडफील्डर बोरा हरेरा को। तो दोस्तों, हैदराबाद एफसी के लिए शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे आईएसएल सीजन 9 में बोरा हरेरा। तो दोस्तों, एफसी गोवा से छीनकर ऐसा खबर है कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने अपने टीम में कंफर्म कर लिया है स्पेनिश सेंट्रल मिडफील्डर और साथ ही अटैकिंग मिडफील्डर के खिलाड़ी बोरा हरेरा को। तो दोस्तों, वाकई में यह बहुत ही बड़ा खबर है ईस्ट बंगाल एफसी के सारे समर्थकों के लिए। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।